हेलो फ्रेंड्स, अगर आपके पास आईफोन है तो यहाँ पर फ्रेंड्स आईफोन में iOS 14 सॉफ्टवेयर अपडेट आ चुका है। तो यहाँ पर आपको मैं बताऊंगा कि iOS 14 कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे आपको अपडेट करना है अपने मोबाइल को। इस वीडियो में सारी डिटेल्स बताऊंगा क्योंकि iOS 14 अपडेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी और बहुत ही नए फीचर्स आ गए हैं फ्रेंड्स। तो आपको सेटिंग में जाने के बाद में आपको सिंपल से अपडेट लिखना है और यहाँ पर सबसे फर्स्ट वाले पर आपको क्लिक कर देना है, जैसे कि यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद में आपको ऑटोमेटिक आपको उस पे रिडायरेक्ट कर देगा जहाँ पर iOS 14 अपडेट का नोटिस आया है। तो यहाँ पर देख सकते हो डाउनलोड एंड इंस्टॉल पर आपको क्लिक कर देना है। आपके में टोटल 4 GB जरूर होना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हो 3 GB का है, लेकिन आपके में लगभग 3.5 GB तो जरूर होना चाहिए, मतलब 3000 MB आपके पास जरूर होना चाहिए, मतलब 3 GB आपके पास जरूर होना ही चाहिए, तभी ये iOS 14 आपको अपडेट होगा। अगर आपके पास वाईफाई है तो बहुत बढ़िया। डाउनलोड और अपडेट पर क्लिक करने के बाद में अपना पासवर्ड यहाँ पर डाल देना है। पासवर्ड डालने के बाद में ये यहाँ पर आपको एग्री पर क्लिक कर देना है। एग्री पर क्लिक करने में आपको यहाँ पर फिर से एग्री पर क्लिक कर देना है और आपका ये होने लगेगा अभी डाउनलोड। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो यहाँ पर मेरा डाउनलोड, यहाँ पर नीचे आपको परसेंटेज दिखा देगा कि कितनी स्पीड में और कितनी परसेंटेज डाउनलोड हो चुका है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर iOS में आपको सारे यहाँ पर डिटेल्स लिखे हैं कि क्या क्या इसमें आपको सिक्योरिटी दी जाएगी और क्या क्या आपको कैमरे में इम्प्रूवमेंट किया गया है, कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर पूरा डाउनलोड होने के बाद में आपके सामने एक नोटिफिकेशन आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो, अभी ये देख सकते हो फ्रेंड्स, सेटिंग में आपको यहाँ पर देख सकते हैं इंस्टॉल नाउ लिखा है। जब आपका डाउनलोड टोटल हो जाएगा उसके बाद में आपको इंस्टॉल पर आपको क्लिक कर देना, जैसे आप पूरा डाउनलोड होने के बाद में ये ही ऑप्शन आएगा इंस्टॉल नाउ, ठीक है। आपको इंस्टॉल नाउ पर आपको क्लिक कर देना है। आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने वाईफाई का मदद लिया यहाँ पर, उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हो मेरे में, और आपको फ्रेंड मैं आपको बता दूँ या 2 GB में नहीं होगा, पर टोटल 4 GB, 3 GB से कम नहीं होना चाहिए, 4 GB, 3 GB का अपडेट ही है तो मैं बताता हूँ आपको 4 GB ही होना चाहिए। आपको यहाँ पर इंस्टॉल नाउ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका फ़ोन ऑफ हो जाएगा और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, लगभग में 30 मिनट तो जरूर लग जाते हैं फ्रेंड्स, 30 मिनट लगते हैं। तो मैं वीडियो स्किप कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ। इसके बाद में आपको कुछ नहीं करना, आप ऑटोमेटिक फ़ोन ऑन हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो ऑन हो गया। उसके बाद आपको लॉक ऑन कर लेना है और यहाँ पर फ्रेंड्स हम लॉक खोलते हैं तो यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल देते हैं। पासवर्ड डालने के बाद में यहाँ पर देख सकते हो आपका यहाँ फेस टाइम एंड मैसेज आ चुका है। यहाँ पर देख सकते हो जब फ़ोन रिसेट या ऑन होता है तो फर्स्ट टाइम। और हाँ फ्रेंड, मैं आपको बता दूँ, कोई भी आपका डेटा फोटो कुछ भी डिलीट नहीं होगा, ये सॉफ्टवेयर अपडेट करने पर कुछ भी आपका डिलीट नहीं होगा, बस आपके फंक्शन नए हो जाएंगे, जो आपकी सिक्योरिटी होगी वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगी। तो आप अपने सेटिंग में जाना है, अपडेट लिखना है और अपडेट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखो सॉफ्टवेयर अपडेट पर भी क्लिक कर देना, अगर नहीं आता है डायरेक्टली तो देख सकते हो यहाँ पर मेरा iOS 14 अपडेट हो चुका है, लेटेस्ट वर्जन जो हाई सिक्योरिटी पर है। जानते हो एप्पल जो माना जाता है वो सबसे पहले प्राइवेसी के लिए माना जाता है। तो दोस्तों जल्दी जाइए अपने सेटिंग में, चेक करिए कि आपके में भी अपडेट आ गया होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिए, लगभग में 3 घंटे लगे इस वीडियो को बनाने में, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।